हाय फ्रेंड्स, तो मैं पहले आर्टिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगी। आज मैं एसेंशियल की जो डेली केयर प्रोडक्ट्स है, जेल क्लिनजर, लाइट लोशन एंड मल्टी प्रोटेक्ट लोशन के बारे में आज आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी इसमें क्या क्या है। तो पहले आते हैं जेल क्लिनजर के बारे में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एलर्जी टेस्टेड है, ऑप्थेल्मोलॉजी टेस्टेड है, नॉन कॉमेटोजेनिक है, नो एनिमल टेस्टेड है, इसमें नो आर्टिफिशियल सेंटेड नहीं है। तो ये सभी आर्टिस्ट्री की सेक्शन में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं ये जेल क्लिनजर में बता रही हूँ। ये सभी आर्टिस्ट्री की सभी प्रोडक्ट्स में ये लागू है। इसमें कुछ भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, टोटली सल्फेट फ्री है। आर्टिस्टिक के जो जेल क्लेंजर है आप देख पा रहे हो, इसमें टोनर कम, ये क्लेंजर कम टोनर है, क्योंकि हमारे पहले टोनर और क्लेंजर अलग होता था, लेकिन हमारे बिजी शेड्यूल होने की वजह से आर्टिस्टिक की साइंटिस्ट जो है वो 14 इयर्स तक रिसर्च किया, उसके बाद इसने क्लेंजर कम टोनर बनाया हुआ है। इसमें बहुत सारा टाइम कम बच जाता कम लगता है और इसके बाद आपको टोनिंग अलग से नहीं करना पड़ेगा। आर्टिस्टी की जो जेल क्लिनजर है वो सभी की स्किन में है, सूटेबल है, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, किसी भी स्किन हो, इसमें बहुत सूटेबल है। देख पा रहे हो यहाँ पर ये क्यूकम्बर का पिक्चर है, इसमें हीरो इंग्रेडिएंट्स क्यूकम्बर ही है। क्यूकम्बर हम सबको पता है इसमें 90% तक पानी रहता है और इस पानी की वजह से हमारी स्किन में हाइड्रेशन पाथ बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है और ये बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को टोनिंग भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है आर्टिस्टी का वो है एस्ट्रोला चेरी। एस्ट्रोला चेरी आर्टिस्टी के हर प्रोडक्ट्स में है, जो न्यूट्रलाइट की ऑर्गेनिकली जो फार्म है वहाँ से कलेक्ट किया हुआ है। और हम सभी को पता है एस्ट्रोला चेरी विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है और ये रिचेस्ट सोर्स होने की वजह से विटामिन सी आर्टिस्टी के सभी प्रोडक्ट्स में है। और विटामिन सी क्या करता है, कोलाजन लेवल को बूस्टअप करता है। बूस्टअप होने की वजह से हमारी स्किन एकदम यंगर दिखता है। एलोवेरा है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, आप देख पा रहे हो। तो एलोवेरा हमें सभी को पता है आयुर्वेद शास्त्र है और मेडिसिन प्रॉपर्टीज एलोवेरा में ऑलरेडी है, जो जेल क्लिनजर में है। और जेल क्लिनजर में एलोवेरा होने की वजह से बहुत अच्छे से हाइपोडर्मी से क्लीन करता है और हमारी स्किन को पोल्यूशन से बचाता है एलोवेरा। नेक्स्ट है मेडोस्वीट। मेडोस्वीट में बहुत अच्छे से कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ये एंग्जाइटी लेवल को, स्किन इचिनेस को, इस सभी को कूल डाउन करने के लिए ये मेडोस्वीट बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लिकोराइस। आप देख सकते हो लिकोराइस का जो मीनिंग है वो है यष्टि मधु। यष्टि मधु आयुर्वेदिक शास्त्रों में भी हम लोग यूज़ करते थे, वो स्किन को लेप लगा लेते हैं मुख में, उसको स्किन को फेयर और ब्राइटनिंग करने के लिए। तो मेडो स्वीट्स में ना बहुत अच्छे से ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ है, जो हमें आप लोगों को मैं बता रही थी कि हमारी क्लेंजर जो है वो क्लेंजर कम टोनर है और हमारी क्लेंजर की टाइम ही टोनिंग कर देता है। वो दोनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो पहला है वो वाइट विलो बार्क, आप देख सकते हो जब हम लोग क्लेंजिंग करते हैं ना तभी ये अच्छे से बहुत अच्छे से हमारे हाइपोडर्मिस में जाके वो टोन कर देता है हमारे स्किन को। और दूसरा है विच हेज़ल, जो हम लोग जब क्लीन करते हैं, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स के वजह से हमारी क्लिनजर में है, इसीलिए हमें अलग से टोनिंग नहीं करना पड़ता कि इस दोनों में टोनिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें तो पहले देखिए मॉइस्चराइज़र आता है, वो है लाइट लोशन। लाइट लोशन एक बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र है। वो क्या कहते हैं, फेशियल आप देख पा रहे हो कैमोमाइल के पिक्चर दिखा रहा है, तो इसका हीरो इंग्रेडिएंट्स ना कैमोमाइल है। ठीक है, तो कैमोमाइल क्या करता है, आप देख सकते हो कैमोमाइल के पिक्चर। ये कैमोमाइल जो फ्लावर्स है वो क्या करता है, बहुत अच्छे से ना मॉइस्चराइजर लेवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और ये और एक काम करता है, वो है दाग धब्बे को घटाता है। और इसमें एस्ट्रोला चेरी भी है, मैं कह रही थी कॉमन है ये, इसमें एलोवेरा भी है, मैं डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। और इसमें ना शीशो है और इसमें और एक चीज़ है, वो है विच हेज़ल, क्योंकि इसमें भी टोनिंग प्रॉपर्टीज़ है। फेशियल की बात अगर हम लगाते हैं तो उसमें टोनिंग करता है। तो इसमें ये मॉइस्चराइज़र जो है, मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छे से फाइटो न्यूट्रिएंट्स की जो बहुत लाइट फॉर्मुलेशन एक मॉइस्चराइज़र है। ये ऐसा नहीं है अगर आप इसे लगाएंगे बहुत चिपचिपा लगेगा, ऐसा नहीं है, बहुत लाइट है। इसका नाम ही है लाइट लोशन। तो ये नो रेसिड्यू, मतलब आप इसे धोने के बाद इसमें कोई पैराफिन नहीं है, इसीलिए इसे धोने के बाद ना इसमें कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ के रख जाता है। और इसमें बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो स्किन की आपकी डैमेज हो चुका है उसे बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देगा ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉइस्चराइज़र आता है वो है मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। देखिए ये मल्टी प्रोटेक्ट लोशन है, इसमें SPF 30 दिया हुआ है।
इसमें SPF 30 होने के कारण, ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर होने के कारण हमारी जो UVA और UVB रे जो है ना उससे बचाता है, ये लगाने से हमारे सन की जो रे है उससे हमें बचाता है स्किन को। और आप देख सकते हो कि मल्टीप्रोटेक्ट लोशन की जो हीरो इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो पिक्चर में है, उसका कॉमन इंग्रेडिएंट्स कोकोनट वाटर है। और इस कोकोनट वाटर की होने की वजह से, हम सभी को पता है कोकोनट वाटर की बहुत ही कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है, हम गर्मी में कोकोनट वाटर ज़्यादा पीते हैं ना, और हमें अगर पॉक्स वगैरह होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कोकोनट वाटर लगाते हैं, क्योंकि पॉक्स के दग धब्बे हमारे स्किन पे ना पड़े। तो इसीलिए ये मल्टीप्रोटेक्ट लोशन में दाग धब्बे रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी